कोरोना वायरस की चपेट में आज पूरा विश्व है। कमोवेश पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन की स्थिति है। स्कूलें बंद, पढ़ाई जारी पर ऑनलाइन। कोविड-19 के चलते गतिविधियां रुक सी गई हैं, परंतु जिंदगियां चल रही हैं। इन जिंदगियों को चलाए रखने वाले कहे जा रहे हैं कोरोना वॉरियर्स। जी हाँ, कोरोना वॉरियर्स। स्कूलों में पढ़ने वाली प्रतिभाएं भी घरों में खाली नहीं बैठी हैं, उनके हुनर उभर कर आ रहे हैं। ऐसे ही छठवीं क्लास की छात्रा इसिता शुक्ला का कोरोना वॉरियर्स के प्रति संवेदना व समाज को संदेश देखें इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम इसिता शुक्ला है और मैं यूसीमा स्टूडेंट हूँ। लॉकडाउन के वजह से हमें काफ़ी समय मिला है कि जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती है, जैसे कि ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब चीज़ें हम मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सब चीज़ों की। तो मुझे लिखने का काफ़ी शौक़ है और मैंने लिखना 7 साल की उम्र से शुरू किया था। तब मैंने एक कहानी लिखी थी और उसके बाद मैंने कविताएं भी लिखी और आर्टिकल्स भी लिखे। तो आज मैं एक ब्लैंक पोएम आपके सामने लेकर आई हूँ और ये पोएम है हमारे सारे डॉक्टर्स, नर्सेस और पुलिसमैन के ऊपर, जो आज भी बाहर जाकर हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूँ। जब सारी दुनिया घर पर बैठकर आराम कर रही है, कोई है जो आज भी बाहर जाकर बीमारी से लड़ रहा है। जब सारी दुनिया अपने अपने परिवारों के साथ सुरक्षित है, कोई है जिनके परिवारों को ये भी नहीं पता कि वे जा रहे हैं तो लौटकर आएंगे भी कि नहीं। आज जब दुनिया में कोई भी कोरोना की चपेट में आता है तो वो यह कहता है, हे भगवान, मुझे ठीक कर दे वरना मेरे परिवार का क्या होगा। कोई है जो आज भी ये कहता है, हे भगवान, मुझे ठीक कर दे वरना ड्यूटी कौन करेगा। ऐसे लोग जिन पर फूल बरसाए जाने चाहिए, उन पर पत्थर क्यों बरसाते हो। क्रूरता की हद हमेशा पार क्यों कर जाते हो। कभी उनके योगदान के बारे में सोचकर भी देखा है। आज विश्व को कोरोना से बचाने वाली हमारी ढाल है वो, तो हम ही तलवार बनकर इस ढाल को तोड़ना क्यों चाहते हैं। अब भी वक्त है, संभल जाओ वरना जिस दिन ये ढाल टूट गई उस दिन समझो इसे तोड़ने वाली तलवार भी टूट जाएगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ इशिका शुक्ला एंड आई एम ए यूसीमा स्टूडेंट। आई हैव गॉट टाइम इन दिस लॉकडाउन पीरियड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ माय ड्राइंग्स। आई लव ड्राइंग्स बट आई हैव इम्प्रूव माय ड्राइंग्स सो मच। So from the list of my favorite drawings, I just gonna show you today one of them.